एक क्लाउड और मेरी फेवरेट बनीज। तो लड़कियों, तुम लोगों का आज का प्लान क्या? आज हमें शॉपिंग और सैलून जाना है। हाँ दोस्तों, हमें वीकेंड को अच्छे से इस्तेमाल करना है। ना, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। कल तुमने इतना गाया कि आज तुम्हारी आवाज ही चली गई। मैं तुम्हारे लिए कच्चा अंडा लेकर आऊं? नहीं नहीं नास्तिया, मैं कच्चे अंडे नहीं खाती। दोस्तों, मेरे फोन के बारे में क्या ख्याल है? ये बनीज कैसे लग रहे हैं? बहुत क्यूट। डायना, तुम अपनी आवाज का ध्यान रखो। तो क्या आज हम रिहर्सल नहीं करेंगे? हाँ कुनोपा, आज हम कुछ दोहराएंगे नहीं। और चीयरलीडिंग प्रैक्टिस भी कैंसिल हो गई है, क्योंकि मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ और चिल्ला भी रही हूँ। वो तो अच्छा है, एक दिन हम अपने लिए गुजार सकता। आई होप कोच अभी हमें जाने देगी और ये नहीं कहेगी कि कोई बात नहीं गर्ल्स, डायना के बदले कोई और चिल्लाएगा। नहीं कुनोपा, कोच अभी समझ जाएंगी। तो गर्ल्स चलो तैयार होते हैं, हमें कपड़े उठाने हैं, मेकअप करना है और किचन में आइस से लाटे लेना मत भूलना। तो फिर दोस्तों तैयार होते हैं। लड़कियों, क्या तुमने ये महसूस किया जैसे कि तिमूर यहाँ हो? उसकी परफ्यूम की महक आ रही है। हाँ, वो फेरोमोन्स के साथ फेक है। आई थिंक ब्लॉन्डी ने वो जगह दिखाई होगी। गर्ल्स, लेकिन मैंने नहीं सुना कि कोई यहाँ आया। फाइन दोस्तों, लगता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो मेरे सपने में था और मुझसे कह रहा था मुझसे प्यार करता है। डायना, शुरू मत होना। हमें शॉपिंग करनी है और सैलून जाना है। हम चिल करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो चलकर तैयार होते हैं। गर्ल्स, क्या तुम लोग वहाँ तैयार हो रही हो? क्या तुम लोग ने देखा क्या टाइम हुआ है? हाँ, हम सब तैयार है, चिल्लाने की जरूरत नहीं। हम आ रहे हैं। ब्लॉन्डी, मैं आ रही हूँ, मुझे मेरे दांत ब्रश करने दो। गर्ल्स, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं, क्लब नहीं। ये कितनी अनोइंग है। इसका यहाँ राज है तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। वो दोबारा अपना मुंह नहीं खोलेगी। हम तैयार हैं। तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। तुम्हें टाइम पर आना है, टाइम पर आना है। चलो चलें। दोस्तों, मैं ढेर सारे पैसे खर्च करने को तैयार हूँ एक अच्छे मूड के लिए। शायद इस अच्छे मूड से मेरी आवाज लौट आए। कूल डायना, हम तुम्हारे साथ हैं। डैम दोस्तों, यहाँ तो तिमूर की जैसी खुशबू आ रही है। हाँ, सच में तिमूर के जैसा। गर्ल्स, वो पक्का यहाँ पर था, पर कब? कनोपा, हमें नहीं पता। जब ओ यहाँ था। दोस्तों, ओ माय गॉड, वो क्या था? क्या ये हैमस्टर का घर है? तुम हंस क्यों रहे? फनी नहीं। डायना खोलो, क्या पता ये तुम्हारे लिए सरप्राइज हो। दोस्तों, मैंने पूरी जिंदगी में इतने छोटे दरवाजे नहीं देखे और उन्हें कभी भी नहीं खोला। गर्ल्स, चलो देखते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ कुछ चाबियां हैं, क्यूट स्टिकर्स जैसा कि मुझे पसंद है, और एक नोट है। ये एक नोट है। डैम, ये इंटरेस्टिंग है, ये जिसने भी किया है। हमारे लड़के तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। हमको लगता है ये जैक है। क्या क्या कह रही हो डैना? तुम्हारे और जैक के बीच क्या है? नास्तिया, ठंड रखो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। चलो पहले नोट पढ़ते हैं। कम ऑन डायना, जल्दी करो, हम शॉपिंग और सैलून के लिए लेट हो जाएंगे। कम ऑन, ये इंटरेस्टिंग है, ये जिसने भी किया है, लेकिन अगर ये जैक है तो डायना मुझ पे गुस्सा मत करना। डायना, आई लव यू सो मच। तुम्हारी माफी पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं हर कुछ करने को तैयार हूं। तुम्हारा तिमूर, ये चाबी मेरे दिल के लिए है। तुम हमेशा ही मेरा दिल खोल सकती हो। लव यू डायना। दोस्तों, किसने कहा कि हमारे लड़के इसके लायक नहीं हैं? देखो तो जरा कि तिमूर ने क्या किया। उसने एक चाबी छोड़ी है, तिमूर के दिल के लिए चाबी। वाओ डायना, तुम्हें इसे माफ करना होगा, मेरे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं है। बास्केटबॉल प्लेयर्स ने ये किया। मैं उसे रेस्पेक्ट करने लगी हूँ, मैं सच में उसे रेस्पेक्ट करने लगी हूँ। दोस्तों, इसकी बड़ाइयाँ करना बंद करो। मुझे यकीन नहीं है कि ये सब तिमूर ने खुद किया, शायद किसी ने उसकी मदद की। डायना, तुम हमेशा कुछ ढूंढने की कोशिश करती रहती हो। बस खुश रहो कि कोई तुम्हें प्यार करता है और तुम्हारी रेस्पेक्ट करता है। किसी लड़के ने ऐसा सरप्राइज दिया है। दोस्तों, तिमूर के विनम्र होने के बारे में बोलना बंद करो। जरा याद करो उसने कितनी बार मुझसे झूठ कहा। और चलो चलकर तैयार होते हैं, हम आज ब्यूटी सैलून और शॉपिंग में रिलैक्स करेंगे। अगर मैस्कॉट ये करता तो हम तो पिघल जाता। तुम कितने घमंड में हो। हाँ अलेक्सा, ठीक है मैं घमंडी हूँ, लेकिन मैं किसी झूठे को डेट नहीं करूँगी। ओके गर्ल्स, सब दुखी बात करना बंद करो। तो हम क्या पहनेंगे? कुछ बहुत सुंदर।
प्रॉमिस मुझे समझ नहीं आया, हमने तुम्हें वार्निंग दी थी। ये नाइटमेयर है, वीकेंड का दूसरा दिन है, ऑलरेडी हमारे पास प्रॉब्लम है। आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा था तुम गिर जाओगे। अरे ये क्या हुआ इसको? लूजर को चोट लग गई है। तुम देख क्यों रहे हो, हमारी मदद करो, ये हल्का नहीं है गाइस। आईना से अपने स्केट से ज्यादा शो ऑफ मत करना स्केटर। टीमा इतने मतलबी मत बनो, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अरे ये इसको क्या हुआ? चोट लग गई, मैंने उसे गार्ड पहनने को कहा था। ओह अच्छा, तो पैट्रिक बेसबॉल प्रैक्टिस है हमारी, चलो हेलमेट पहन लो, सबसे पहले सेफ्टी। हाय बॉस, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? लेकिन क्यों? नास्तिया ने मुझे छोड़ दिया और अब मैं अकेली हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। मैंने मुझे लड़कियों से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जूली ने मना किया है। कूल, जूली कहाँ है? मैं उसकी भी दोस्त बनना चाहती हूँ। जूली अभी काम पर है, पर तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ेगा क्योंकि जूली बहुत स्ट्रांग लड़की है। अग्नि शक्ति। बॉयज, जूली से मुझे मत डराओ, उसने कल मेरे नेल्स बनाए। कूल गर्ल। ओह हाय ज़ॉम्बी बॉयज, क्या तुम्हें यहाँ घर जैसा लग रहा है? हाय सकार। मैं तुम्हारे वेट कर रहा था। हम जा रहे हैं, हमें मैनिक्योर करवाना है और शॉपिंग। मैं तुम्हारे साथ चलूं? हमारी कार फ्लफी है, रबर नहीं। नास्तिया, क्या किसी ने मुझे बुलाया? आई थिंक नहीं। हाय सैक। हाय डायना। सैक कम ऑन कम ऑन। डायना आज शाम तुम क्या कर रही हो? सैक बस शर्मीला है और तुमसे कुछ कहना चाहता है। ओह माय गॉड, सुनो जैक, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। डायना कुछ है जो मुझे मालूम नहीं? सुनो नास्तिया, मुझे नहीं पता और खुद को नहीं जानती मैं। डायना को समझने की जरूरत नहीं जैक, बस। ज़लीना, मैं खुद करूंगा, मैं एक एडल्ट हूं और मैं खुद से उसे बताऊंगा। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं, मुझे लगता है जैसे आज हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हम एक एडल्ट की तरह बाद में बात करेंगे जैक। डैम काउ। गर्ल स्टॉप, क्या तुम लोग ज़लीना को अपने साथ शॉपिंग और मैनिक्योर के लिए नहीं ले जाना चाहते? क्योंकि मैंने 100 साल से मैनिक्योर नहीं कराया है। अगर तुम उसको ले गया तो हम कहीं नहीं जाएगा। ज़लीना, अगली बार तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और हमने तुम्हारे लिए नहीं लिया। एक अपॉइंटमेंट पर किस लिए? ज़लीना, मैं तुम्हारे नाखून काटूंगा, मुझे बस एक नेल फाइल और कैंची चाहिए। शाबाश कौस्तिया, रिस्पेक्ट, तुम मेरी बहन को तब सपोर्ट करते हो जब वो दुखी होती है। ज़लीना, तुम मैनिक्योर के बिना भी बहुत सुंदर हो। देखो वो फिर चले गए इतराते हुए चिक्स। वे सच में चूजे हैं। पता है, बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, मैं डायना को फिर से जीत लूंगा। तो ये ब्यूटीज राइड करने गए थे, टीमा मुझे भी राइड करने जाना है। हम लोग बुरे हैं क्या? अरे तो लड़कियों, हम भी चलते हैं, चलो। लड़कियों जल्दी करो, अंदर बैठो। तो बताओ हमें, ये कूद गया और ये सब कुछ हुआ इस स्केट की वजह से। हम इसे कहाँ रखें? उसे हमारे फर्स्ट एड पोस्ट ऑन व्हील्स पर ले जाओ। हम इसे बैंडेज लगा देंगे। कोच एबी, शिक्षक माइक, मैं बस एक कर्तव्य करना चाहता था। तुमने कर लिया थॉमस, हम हर दिन कहते हैं कोई एडवेंचर्स नहीं, सुरक्षा पहले आती है। चलो चलें। ये रहा माइक, तुम्हारा वीकेंड मैंशन में। ये तुम्हारी लैला है, तुम्हारी रैट। अरे तो इसमें रैट्स का क्या लेना देना है? थॉमस खुद से ये स्टंट करना चाहता था बस। करीना को बुलाओ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी देखभाल करे। हम कॉल करेंगे। तुम्हारे मम्मी पापा, भाई और बहन। अरे थॉमस, इतना भी कोई सीरियस चोट नहीं है, अभी तुम क्या मुझसे गुस्सा हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। चलो चलते हैं, हमें बैंडेज लगाना है। हैंडसम लेट है। ब्लॉन्डी, क्योंकि तुम्हें पहले पैसे लेने होंगे। वो कहाँ गया होगा? कहीं भी नहीं, लेकिन उसने अगर हमें हमारे काम के पैसे नहीं दिए तो हम जाकर डायना को सब कुछ बता देंगे और वो जान जाएगी कि तिमूर हर कुछ किसी और के हाथों से करवाता है। तो लड़कियों, कोको किसका है? हम और हम। लड़कियों ये मत भूलो कि ये एक कैफे नहीं, और तुम मुझे कोई भी समय फोन नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारा ऑर्डर लाता हूँ और फिर मुझे परेशान मत करना। चिंता मत करो, हम तुम्हें टिप्स देंगे। शट अप, तुम बहुत अमीर हो क्या? नहीं, ये तो सिर्फ इसलिए था कि वो हमें कोको ला कर दे। हेलो लड़कियों, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मैं बस चुपके से बाहर आया ताकि कोई मुझे देख न ले। तुमको लगता है कि हम तुम्हारे लिए एक घंटा इंतजार करेंगे? क्या तुम लेकर आए? नहीं, क्या तुम्हें लगता है मेरे पास बहुत पैसे हैं? हम वेट करते हैं कि हमारे माँ बाप हमें कब पैसे भेजेंगे। क्या क्या? हमें पैसे चाहिए, हमें कैश चाहिए, हमारा नेल अपॉइंटमेंट है। और तुम्हारी वजह से हम इसे कैंसिल करें? क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स का इंतजार करना होगा। लड़कियों, मैं नहीं मानता कि आज सुबह के सारे पैसे मुझे ही देने होंगे, ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ था। सुनो तुम गूस, हम रात भर इस दरवाजे वाले बॉक्स को इसलिए बना रहे थे क्योंकि हमें मैनिक्योर चाहिए था। हम सोए नहीं, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों में रेत हो। और तुम फेल हो गए। फ्रॉग्स, अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ कोई डील ना करूं। मैं बोल रहा हूं, आज तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर तुमने डायना को कुछ भी कहा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बहुत पसंद है जब कोई लड़का मैनिक्योर करता है। मुझे अपना काम बहुत पसंद है।
दोस्तों, मैं तिमूर के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। उसने ये सब कुछ खुद ही जाकर किया या फिर किसी और से करवाया? अगर खुद किया तो तुम माफ कर दोगे? अगर उसने किया तो हो सकता है कर दूंगी, और अगर नहीं तो उसने फिर से मुझसे झूठ बोला और किसी और से करवाया। अम्म को लगता फर्क नहीं पड़ता कि उसने ये कैसे किया, जरूरी है कि उसने हम चारों को शौक कर दिया। गर्ल्स, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? बस जो तिमूर ने डायना को सरप्राइज दिया, हम उस बारे में शॉक्ड हैं। डैम, मैं शॉक्ड हूँ नाथ से, मैंने तुमसे पहले अपॉइंटमेंट बुक किया है। तो क्या, मैं पहले बैठी। कनुपा चिंता मत करो, मैं पहले नाश्ते की नेल्स करूँगी फिर तुम्हारे। कनुपा, तुम अब एक फेस मास्क लगाओगी? लड़कियों, हमारे पास कुछ बहुत मॉइस्चराइजिंग फेस मास्क है। थैंक यू रायन, मैं अपना मेकअप नहीं उतारना चाहती। कनुपा, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? आज तुम रिलैक्स कर रहे हैं। तुम पहले से बहस करते। गर्ल्स, रायन को देखो, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। उसने मैनिक्योर सीखा और वो पैसे कमा रहा है। मैंने ब्रोस से कहा, ब्रोस तुम भी पेडिक्योर सीखो और पैसे कमाओ। वो मुझसे कहता है, नहीं मैं किसी के पैर नहीं छूऊंगा। जूली, तुम्हारा ब्रोस तो लूजर है। अच्छा लड़कियों, मैं बहुत जल्दी पेडिक्योर सीख रहा हूँ, तो फटाफट अपने अपॉइंटमेंट्स ले लेना। मैं सबसे पहले रहूंगी, तुम लोगों ने सुना, मैं सबसे पहले रहूंगी। ओ कनुपा, तुम पहली होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें नेल्स की प्रॉब्लम है। बाय द वे, ये एक जोक था। रायन, कनुपा का एक अपॉइंटमेंट कर देना। हो गया कनुपा, टेबल खाली है, बैठ जाओ। फाइनली डायना, तुम्हारे नेल्स तो हो गए, अब क्या तुम मास्क करोगी? शुक्रिया रायन, नहीं, नो मास्क। मुझे दोस्तों के साथ शॉपिंग पे जाना है। कम ऑन गाइस, मैं कुछ खाने का बनाऊंगी। ज़ॉम्बीज, रुको। हे, तुम डायना से प्यार करते हो? तुमने उसको प्रपोज किया है? हाँ, किया होगा, तो क्या हुआ? सुनो, मेरे भाई को मत छुओ। स्माइल, क्या प्रॉब्लम है? सुनो ज़ॉम्बीज, तुम हमारे स्कूल आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कूल हो। तुम लोग लूजर्स हो, एक पूरा झुंड लूजर्स का। और तुम दोबारा डायना की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। इसलिए तुम लोग दूर रहो। हाँ बिल्कुल, मैं तो घर जा रहा हूँ, मुझे ये सब झमेला पसंद नहीं। कहाँ, रुको, यहाँ सबके लिए एक और एक के लिए सब। भाई, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ओ चश्मिश, तुम शांत रहो। ओए, क्या बोला तूने मुझे? हाँ बोला तो। कौन से उनके बीच में जाओ। ज़लीना, मैं उनके बीच नहीं आऊँगा। अगर जैक डायना को पसंद करता है तो उसे स्माइल से निपटना होगा। सुनो ज़ॉम्बीज़, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। पहले तुम हमारे स्कूल आए और अब तुम हमारी लड़कियों को डेट करना चाहते हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने हाथ हटाओ, हमारे रिलेशनशिप के बीच में मत आना। और हाँ सुनो स्माइल, तुम अब डायना के साथ डेट नहीं कर रहे हो, तुम एक लूजर हो। अच्छा तो हटो, तुम लोग हटो। स्माइल, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे फ्रॉक्स को देने हैं। चलो अब दोस्तों, छोड़ो छोड़ो, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। सुनो तिमूर, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, मेरा यहाँ पंगा चल रहा है। मैं परेशानी में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें पैसे चाहिए लेकिन हमारे पास नहीं। अरे जा कहाँ गया? स्माइल, तुम एक लूजर हो। और हाँ, हमसे कभी पंगा मत लेना। स्माइल, चलो उनके घर चलते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पर दोबारा उस जाक को देखा ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। तिमूर, तुमने सब खराब कर दिया। स्माइल, मुझे मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ? प्लीज मुझे पैसे उधार दे दो। किस लिए? अगर मैंने फ्रॉक्स को पैसे नहीं दिए तो वो डायना को सब कुछ बता देगी। ओ, तो ये डायना के बारे में है। एक पैसा नहीं देने वाला, जाओ यहाँ से। करीना, हाय। हाय गर्ल्स, हाय। मैंने सुना कि तुम्हारे पास एक नया कलेक्शन है। हाँ, एक नया कलेक्शन आया है, देख लो। चल लो करीना, क्या तुम्हारे पास पुराने कलेक्शन के लिए सेल है? हाँ, ओल्ड कलेक्शन के लिए सेल्स है। लड़कियों, तुमको मेरे स्टाइल में क्या पसंद नहीं? तुम हमको हमेशा तुम्हारे कपड़े पहनाते। क्योंकि तुम्हारा स्टाइल हमसे मैच नहीं करता। हमें हमेशा सुंदर और ब्राइट कपड़े पसंद आते हैं और तुम हमेशा ब्लैक और ग्रे पहनती हो। अलेक्सा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? बनी के ड्रेस होते हैं आप ब्राइट और प्रिटी, ना कि किसी ग्रे चूहे की तरह। करीना, मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ सेल है। डायना, सारे ओल्ड कलेक्शन के नास्तिया, तो फिर चुनते हैं। थॉमस, तुम इस घर की हद के अंदर कोई भी ट्रिक नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे लिए हम जिम्मेदार हैं। तुम्हें पता है हमारा क्या होगा? हाँ, मैं समझ गया। हो गया, अब हम फ्री हैं। थॉमस, ये कुछ नहीं है, ये शादी तक अच्छा रहेगा। क्या तुमने करीना को फोन किया? नहीं। तो करो उसे फोन। हाँ लड़कियों, करीना को कॉल करो और इसे गनमैन चल ले जाओ। और हाँ, अब ये तुम्हारा स्केटबोर्ड मेरे पास रहेगा। लड़कियों, ये रहा तुम्हारा सामान, आती रहना, जैसे ही कोई नया कलेक्शन आएगा तुम्हें उसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शुक्रिया। हेलो 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 करीना, मैं एक काम करने में असफल हो गया। थॉमस, ये कुछ भी नहीं है। करीना, यहाँ आ जाओ, सब कुछ छोड़ कर आ जाओ। हाँ थॉमस, गिर गए। थॉमस, मैंने तुमसे कहा था कि सावधान रहना और कोई ट्रिक्स मत करना। ओके बाय। लड़कियों, मेरी एक इमरजेंसी है, थॉमस अपने स्केट पर ट्रिक करते हुए गिर गया। करीना, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें राइड दे देंगे, वैसे भी हम मैंशन ही जा रहे हैं। शुक्रिया लड़कियों, मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा कैसे कर देता है। तो क्या तिमूर, फ्रॉग्स,
मुझे किसी ने पैसे उधार नहीं दिए, लेकिन मेरे माता पिता देंगे, वादा है। कब? मुझे वो पैसे आज रात को ही भेजेंगे। हमें बॉय नहीं चाहिए, हमारे नीले बॉय में छूट गया। तो क्या फ्रॉग्स तुम सब कुछ बता दोगी डायना को? हाँ, हम बिल्कुल बताएंगे। ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे और डायना से झूठ बोल रहे हो। हमने सारी रात वो सरप्राइज बनाया और बदले में कुछ भी नहीं, हम अपना नेल्स भी आज नहीं करवा पाए। फ्रॉग्स, अगर तुम डायना को सब कुछ बता दोगी तो वो फिर मेरे पास नहीं आएगी। शायद हम एक सौदा कर सकते हैं। नहीं, हम तुमसे और कोई डील नहीं करना चाहते। पैसे आ गए फ्रॉग्स। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये फ्रॉग्स क्यों खड़े हैं ड्राइववे में? फ्रॉग्स, तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं, हटो सामने से। हाय डायना, क्या तुम शॉपिंग से वापस आ रही हो? कैसा था मैनिक्योर, या क्या अच्छा था? लड़कियों, हाँ, दिक्कत क्या है? लड़कियों, मुझे जाना पड़ेगा, तुम इससे निपटो, थॉमस मेरा इंतजार कर रहा है। कूल, हमने मैनिक्योर नहीं करवाया तुम्हारे तिमूर की वजह से डायना। और बाय द वे, आज जो तुम्हें गिफ्ट मिला वो तुम्हें तिमूर ने नहीं दिया था, हमने दिया था। फ्रॉग्स, मेरे पैसे आ गए। तुम लेट हो गई तिमूर, हमने उसे सब कुछ बता दिया। डायना, तुम्हें सही थी, तिमूर ने ये सब किसी और के हाथों करवाया। लड़कियों, मैंने तुमसे कहा था, तुमने मेरा भरोसा नहीं किया। इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू फ्रॉग्स, हम इस बारे में सोचते हैं। और अब क्या हम ड्राइव कर सकते हैं? प्लीज ड्राइववे से हट जाओ। डायना, हमें बात करनी चाहिए, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। डायना, तिमूर, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। गाइस, आप कीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दबाइए बेल बटन और वेट कीजिए हमारे नई कूल सीरीज का। मिलते हैं आप सबसे दोबारा। बाय।